ਇੱਕ ਇਲਤਿਜ਼ਾ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਇਲਤਿਜ਼ਾ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦੋ ਆਦਮੀ ਮੌਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇਲਤਿਜ਼ਾ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਇਲਤਿਜ਼ਾ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦੋ ਆਦਮੀ ਮੌਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇਲਤਿਜ਼ਾ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਸਾੜਦੇ ਖੁਦ ਗਰਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਸਾੜਦੇ ਖੁਦ ਗਰਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਛੱਡੇਗਾ ਇਹ ਉਜਾੜ ਕੇ, ਛੱਡੇਗਾ ਇਹ ਉਜਾੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦੋ ਆਦਮੀ ਮੌਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇਲਤਿਜ਼ਾ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਮੁਹੱਬਤ ਪੂਜਾ ਨਾ ਬੰਦਗੀ, ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪੂਜਾ ਨਾ ਬੰਦਗੀ, ਹੈ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਵਿਖਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਪਖੰਡ ਵੀ, ਬੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਵੇਚਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਵੇਚਦਾ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦੋ ਆਦਮੀ ਮੌਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇਲਤਿਜ਼ਾ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਹਵਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਹਵਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਕਰਦਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੋਠੇ ਉਸਾਰ ਕੇ, ਕਰਦਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੋਠੇ ਉਸਾਰ ਕੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਰੋਲਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਰੋਲਦਾ ਜਨਣੀ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦੋ ਆਦਮੀ ਮੌਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇਲਤਿਜ਼ਾ ਹੈ ਮੇਰੀ।
रहमत दी नजर पाके गुलजार कर दियो, रहमत की नजर पाके गुलजार कर दियो। सुरगा तो वध के सोना संसार कर दियो, सुरगा तो वध के सोना संसार कर दियो। शासत नाम जी बना दियो, शासत नाम जी बना दियो, धरती ते ताम नू फिर तो बना दो आदमी मौला शैतान नू। इक इल्तजा है मेरी, इक इल्तजा है मेरी, बख्शो गुलाम नू, बख्शो गुलाम नू, फिर तो बना दो आदमी मौला शैतान नू। इक इल्तिजा है हो हो हो, इक इल्तिजा है हो 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 हो, इक इल्तिजा है मेरी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। यूपी भजन मंडली के सेवादार भाई मिलकर भजन सुना रहे हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। फरिश्तों अरिश सजा दो के वो आए हैं, फरिश अरिश को फरिश पिला दो के वो आए हैं। उनके आने से फिजा में चारों ओर बहा, दिलों को गुलिस्ता बना लो के वो आए हैं। तू जो चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, चश्मे चश्म के हर अश्क को गोहर कर दे, तू गदा को जो नमाजे तो शहनशाह बने, और जो तू चाहे तो यतीमों को पयंबर कर दे। ऐ दीवानो 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 ऐ दीवानो। ऐ दीवानो 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 ऐ दीवानो। ऐ दीवानो 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 ऐ दीवानो, जरा कर लो ज़ियारत मेरे दादा की। ऐ दीवानो जरा कर लो ज़ियारत मेरे दादा की, न बदली है न बदलेगी हुकूमत मेरे दादा की। जिस तरफ दीवानगी में तेरे दीवाने गए, जिस तरफ दीवान, जिस तरफ दीवानगी में तेरे 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 दीवाने गए, जिस तरफ दीवानगी में लाख अपने को छुपाया फिर भी पहचाने।
ऐ दीवानो ऐ दीवानो ऐ दीवानो ऐ दीवानो ऐ दीवानो ऐ तेरा दीवाना तुझे याद किया करता है तेरा दीवाना तुझे याद किया करता है हक मोहब्बत का बहराल अदा करता है फाड़ता है कभी दामन को सिया करता है ऐ दीवानो ऐ दीवानो ऐ दीवानो ऐ दीवानो ऐ दीवानो ऐ ऐ दीवानो ऐ दीवानो ऐ दीवानो ऐ ऐ दीवानो ऐ दीवानो ऐ दीवानो अपनी महफिल सजा लो ऐ दीवानो अपनी महफिल सजा लो मेरे मुर्शिद पिया आ गए है मैं दीवानो अपनी महफिल सजा लो मेरे मुर्शिद पिया ऐ दीवानो अपनी महफिल मेरे मुर्शिद दिल के मंदिर में तेरी तस्वीर की पूजा करूं दिल के मंदिर में तेरी तस्वीर की पूजा करूं दिल के मंदिर में तेरी तस्वीर की पूजा करूं दिल के मंदिर में तेरी तस्वीर की पूजा करूं तू मुझे देखा करे और मैं तुझे देखा करूं ऐ दीवानो ऐ दीवानो ऐ दीवानो ऐ दीवानो ऐ दीवानो अपनी महफिल सजा लो ऐ दीवानो अपनी महफिल ओ मेरे मुर्शिद पिया आ गए है मेरे मुर्शिद पिया सजा दो घर को गुलशन था मेरी सरकार आए हैं सजा दो घर को गुलशन सा मेरी सरकार आए हैं लगे कुटिया भी दुल्हन जी मेरी सरकार आए हैं दीवानो अपनी महफिल सजा लो मेरे मुर्शिद पिया आ गए दीवानो अपनी महफिल सजा लो ओ दीवानो अपनी महफिल सजा लो मेरे मुर्शिद पिया आ गए ऐ दीवानो अपनी महफिल सजा लो ऐ दीवानो अपनी ओ मेरे मुर्शिद पिया आ गए हैं मेरे मुर्शिद अब तो सजदे में ओ अब तो सजदे में अब तो सजदे में सर को झुका लो अब तो सजदे में सर को झुका लो मेरे मुर्शिद पिया आ गए हैं अब तो सजदे में सर को झुका लो अब तो सजदे में सर को झुका लो तेरा सजदा तेरा सजदा 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 तेरा सजदा 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 तेरा सजदा 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 तेरा सजदा 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 तेरा ना नमाज आती है मुझको ना वजू आता है ना नमाज आती है मुझको ना नमाज आती है मुझको ना वजू आता है ना नमाज आती है मुझको ना वजू आता है मैं सजदा कर लेता हूँ जब सामने तू आता है तेरा सजदा 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 तेरा फिरे जमाने में चार जानिब निगाहें एक साथ तुम्हीं को देखा फिरे जमाने में चार जानिब निगाहें एक साथ तुम्हीं को देखा जमीन देखे हसीन देखे बस एक तुमसा तुम्हीं को देखा तेरा सजदा 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 तेरा सजदा 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 मेरा सोहना सजन घर आ गया ईद हो गई मेरी मुझे चांद नजर आ गया तेरा सजदा 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 तेरा सजदा 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 तेरा सजदा
हो तेरा सदका 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 तेरा सदका 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 तेरा सदका 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 तेरा सदका ओ तेरा सदका करूं मैं तेरा सदका करूं तेरा सदका करूं मैं तेरा सदका ओ तेरा सदका करूं मैं तेरा सदका करूं ऐ दीवानो अपनी महफिल सजा लो मेरे मुर्शिद पिया आ गए हैं मेरे मुर्शिद पिया आ गए हैं अब तो सजदे में सर को झुका लो अब तो सजदे में सर को झुका लो मेरे मुर्शिद पिया आ गए हैं अब तो सजदे में सर को झुका लो जर्रा जर्रा देखो खुशनुमा है जर्रा जर्रा आ गए हमरे वो रहनुमा है आ गए हमरे वो रह जर्रा जर्रा शासत नाम जी सच्चे है रहबर शासत नाम जी सच्चे रखते अपनी निगाह हर एक शय पर रखते अपनी निगाह हर एक झोली भर देंगे ओ झोली भर देंगे झोली भर देंगे ओ झोली भर झोली भर देंगे ओ झोली झोली को मेरी तेरे दीवा कौन भरेगा अगर तुम ना करोगे ये कर्म कौन करेगा फरियाद अपने दिल की मैं आया हूँ सुनाने अगर तुम ना सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा झोली भर देंगे दामन फैला लो तेरे मुर्शिद पिया आ गए झोली भर देंगे दामन फैला लो ओ झोली भर देंगे दामन फैला लो मोरे मुर्शिद पिया आ गए हैं झोली भर देंगे दामन फैला लो मोरे मुर्शिद पिया आ गए हैं झोली भर देंगे दामन फैला लो मोरे मुर्शिद पिया ओ मोरे मुर्शिद पिया आ मोरे मुर्शिद पिया गए धन सतगुरु तेरे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी पूरी दुनिया में पूरे देश में आश्रमों में नाम चर्चा घरों में और अन्य जगहों पर भी आप जूम के तहत और पूजा गुरु जी के यूट्यूब चैनल सेंट एमएसजी द्वारा आप सत्संग से जुड़े हुए हैं तो इसी प्रकार से भी जुड़े रहें अपने अपने जगह पर इसी प्रकार प्रेम पूर्वक बैठे रहें किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मालिकी साजन बाजी प्यारी सत्संग जी बहुत जीव सामने हमें नजर आ रहे हैं आप सब लोग देश दुनिया में जो आप लोग जुड़े हैं हमारा परिवार राम अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की औलाद तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद मालिक बहुत बहुत खुशियां दे पहले हाजिरी उन एरिया की उन जगहों की यहां अभी गुरु मंत्र दिया शास्त्र राम जी रामे खुशबू आश्रम कैथल हरियाणा वहां से अगर बात करना चाहते हैं बेटा पहले भाइयों की तरफ बात कर लें भाइयों की तरफ दो सेवादार हमारे बेटे बेटियां खूब सज धज के आए हैं आवाज नहीं आ रही आप लोगों की पहले से तैयार रखो जी जीव योगा वैसे
जी आशीर्वाद बोलो बात करो बेटा आवाज नहीं आ रही कम आ रही आवाज धन धन सतगुरु तेरे आसरा पिताजी हाँ जी आशीर्वाद बेटा बोलो आवाज आ गई पिताजी कैथल ब्लॉक के जुम्मेदार बात करना चाहते हैं पिताजी करो जी करो तेरी आसरा पिताजी धन धन सतगुरु तेरे आसरा आशीर्वाद बेटा पिताजी आप जी का बेटा 15 मेंबर ओम प्रकाश इंसा ब्लॉक कैथल पिताजी जी पिताजी जब पूरी पूर्ण माँ को अपने कैथल के अंदर सत्संग दिया पिताजी और यहाँ 1,00,000 से भी ऊपर नाम वाले निकले पिताजी और उसके बाद अब देखने में आ रहे पिताजी जो 4-5 साल से किसी वजह से नहीं संगत आ रही थी पिताजी वो डेरे के अंदर आती है नाम तरतल आती है पिताजी पिताजी बल्ले बल्ले कर रखी है पिताजी आपने बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया सारे मिलके राम नाम गाते हो वो जगह पवित्र हो जाती है बेटा और 7 दिन पॉजिटिव वेव्स घूमती रहती है आप 7 दिन का जो आपको बोला कि हफ्ते में 2 बार भी पॉसिबल हो तो नाम चर्चा किया करो ताकि और पॉजिटिव वेव्स आए और नेगेटिव वेव्स चली जाएं तो इसलिए ये किया जाता है शाबाश और पिताजी जैसे आम समाज में दामा पिताजी लोग कहते हैं शाणे आदमी कहते हैं कि बाप आप आ गए और गुरु आ गए तो कुछ भी बोल रहा हूँ पिताजी आप तो हमारे भगवान भी हो हमारे गुरु भी हो और सब कुछ ही हो पिताजी और पिताजी समाज वाले कहते हैं पिताजी कोई गलती हो तो माफी करियो वो बोलते हैं भाई थोड़ा बाबा बहुत सुथरा है न्यू गए जी पिताजी बड़ा दिल खुश हो है पिताजी ऐसी ऐसी बात सुन के समाज में मतलब और पिताजी एक बात और बोलते हैं वो पता नहीं ये कहते हैं कि भाई इनका जो इनका बाबा है इनका गुरु है ना उसके पास देवी शक्तियां काम करे पिताजी देखो झूठ साफ तो आप बताओगे वो कह रहे हैं भाई एक दिन में मकान बनावे ना एक दिन में ही बना के देते हैं एक दिन में बांध पहनते हैं भाई जब सारे कह रहे हैं कुछ ना कुछ तो होगा राम जी करते होंगे पिताजी आपने अपनी साध संगति पिताजी बल्ले बल्ले कर रखी है सारा कैथल ब्लॉक सारा कैथल जिला पिताजी बल्कि हरियाणा सारी दुनिया में पिताजी बल्ले बल्ले रखो मतलब आपसे यही निवेदन है पिताजी मतलब जी बेटा बहुत आशीर्वाद और आप लोग इसी तरह सेवा करते रहे बेटा और नशे छुड़ाते रहें जैसे आपने बोला पिछली बार 1,00,000 से ऊपर नशे छोड़े थे लोगों ने तो बड़ी खुशी है हमें अपने उन बेटे बेटियों के लिए जिन्होंने नशा छोड़ दिया लगातार आप लोग जाके उनको फॉलो करो उनको राम नाम से जोड़ के रखना नाम चर्चा में आए ताकि वो नशे के कभी नज़दीक भी ना जाएं ये दैत्य भाग जाए नशा रूपी दैत्य जो समाज को खाने के लिए आतुर है तो इसी के लिए ये राम नाम की हम चर्चा करते हैं और जीवों को जोड़ते हैं जी और कोई एक बात कर लो धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी जी आपका बेटा खराजी लाल इंसान बोल कैथल से बोल रहा हूँ जी पिताजी यहाँ पर नगर परिषद के सदस्य आए हैं चेयरपर्सन के ससुर जी आए हैं जी और जिला परिषद के सदस्य आए हैं ब्लॉक समितियों के सदस्य आए हैं और 53 पंचायतें आपसे जो आपने नशा छुड़ाने की मुहिम चला रखी है उसमें सहयोग करने के लिए पिताजी आज सभी ने लगभग गुरु मंत्र लिया है जी आपसे और नशा छुड़ाने के लिए ही ये साथ लेने के लिए आप जी के दर्शन करने के लिए आए हैं जी धन धन सतगुरु तेरा ही जी तो जितने भी गणमान्य लोग यहाँ पे पधारे हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है सत्कार है और जहां तक सरपंचों की बात है वो आए हैं हम यही गुजारिश करेंगे कि आप अपने अपने गांव में अपने अपने एरिया में बस एक जरूर बात जरूर करना कि जो नशे रूपी दैत्य है इसको गांव में घुसने मत देना वो भजन भी हम इसी तरह से बनाते हैं इसी तरह लिखते हैं किसी का बुरा करने के लिए नहीं भलाई के लिए ही चर्चा करते हैं तो आप ये बात जरूर ध्यान में रखना बेटा और बाकी आप सबका बहुत स्वागत है और सबको आशीर्वाद है अच्छे कामों के लिए नेक कामों में आप लोग तरक्की हासिल करें मालिक से प्रार्थना और आपको आशीर्वाद है पिताजी आपका बेटा 15 नंबर महेंद्र इंसान राजन ब्लॉक से जी जी पिताजी पूरा जिला पे और पूरा ब्लॉक पे जी पूरी बल्ले बल्ले हो रही है जी आपने बहुत नए जीव लेके आए जी हम नए नाम वाले जी और ऐसे ही रहमत बख्शना पिताजी हाँ बेटा शाबाश जो नशा छुड़ाने के लिए जितने भी सेवादार आप लगे हुए हैं नशा छुड़ाना बुराइयां छुड़ाने के लिए लेके आते हैं तो मालिक आपको बहुत खुशियां दे सबको दया में रहमत से नवाजे तो अब बहनों की तरफ भी बात करवा दें बेटा रूहानी दीदी अनिप्रीत भी हमको बहुत प्रेरित करती है जी
वो बहुत संगत करते हैं, उनसे भी रूबरू कराओ आज संगत को पिताजी। जी बेटा, तो बिटिया हमारी यहाँ बैठी है और आप जरूर, अगर बहन भाइयों का रिश्ता ही ऐसा है हमारे समाज में, अभी भैया दूज गया है तो बिटिया अभी आपको दिखा देंगे, बैठी हुए हैं यहीं पे कैमरामैन जी। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद जी। हाँ बैठ जाए बेटा। तो ये आईटी बैंक वाले बैठे हैं, सबको आशीर्वाद जी। पूज्य पिताजी, जो सॉन्ग आपने नित दिवाली और आपको सारी साथ संगत को दो दिन के अंदर 1 करोड़ व्यूज होने की खुशी में आपको और सारी साथ संगत को लग लग बार बधाई हो पिताजी। और ऐसा सॉन्ग जो दुनिया के अंदर पिताजी, आजकल लोग कोई बंदूखे दिखाता है, कोई शराब के ऊपर करता है, पर ऐसा जो हमारी संस्कृति को पेश करे, पूरी दुनिया में जो मिसाल कायम करे पिताजी, वो सिर्फ आप ही कर सकते हो साथ संगत पिताजी। आपका ही ये देन हम नहीं दे सकते, हमारे पिताजी खुद खुदा कुल मालिक आप हो पिताजी। तो आपसे यही अरदास है कि सारी साथ संगत में प्रेम और खुशियां बख्शो जी। जी बेटा, सबको आशीर्वाद। हम तो बेटा सबके सेवादार चौकीदार हैं, सेवा करना हमारा कर्तव्य है, दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। और आईटी बिंग वाले भी नजर आ रहे हैं, साड़ी नित्य दिवाली है लिख के एक बैनर ले रखा है। आशीर्वाद बच्चों, अरे वो हमारी बेटियों की बात करवा दीजिए जल्दी से, बेटियों की बात जोर ज्यादा लगा दिया बेटा, माइक बोलना बंद कर गया, चल नहीं रहा माइक बच्चे, बेटियों माइक चल नहीं रहा ना, चला नहीं। सेवादारों चलाओ भाई, हाँ बेटा आशीर्वाद बोलो बच्चा। कैसे हो बेटा? राम राम बाबू। राम राम बेटिया। ठीक हो बाबू? बिल्कुल ठीक सा मारी बेटिया। और बेटा घना ही सुतरा लाग रहा हूँ भाई। बाबू तेरी बेटी मुस्कान इनसे बोल है। बोल बेटा। बाबू का थड़ाया बनी हुए आशीर्वाद बना कर रखिए। जी बेटा घना ही आशीर्वाद सगड़ा ने। बाबू। हाँ बेटा। फिर माइक बंद हो गया क्या हाथ से? उस पे रख लो स्टैंड पे। माइक बंद है शायद, ये आवाज बंद है, कुछ तो है। आवाज नहीं आ रही बेटा जी, आवाज नहीं आ रही, इसको ऑन कर दो या वैसे। सेवादार भाई देखो भाई। हेलो। हाँ हेलो, बोल गए। हेलो हेलो। हाँ जी सुन लिया बेटा जी, सुन लिया बाबू। हाँ बेटा बाबू, बेटा बाबू के बाद बंद हो जाता है, अगली बात बोलना ही नहीं पसंद कर रहा ये। चलाओ भाई सेवादारो, माइक नहीं चल रहा। हेलो 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 हेलो। हाँ चाकी चला रखी है, बहुत अच्छी लग रही है हमारी बेटियां, चरखा चला रही हैं। कैमरा मैन ये दिखा दे उतनी देर जितनी देर माइक नहीं चलता, और बहुत ही अच्छा है। और वाह चटनी बन रही है, पंखा चल रहा है, तो अच्छा है कल्चर आपने बेटियों अच्छा बना रखा है, बहुत सुंदर लग रहे हैं बेटे बेटियां हमारे। और ऊपर गागर ये जागो बना रखी है, बहुत आशीर्वाद गुब्बारे हैं, रंग बिरंगे कपड़े सज धज के हमारे बेटियों के खिंडके बंधे हुए हैं गजब के। और ये देखो हरियाणवी साज बज रहे हैं सर, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं सारे के सारे, बहुत ही अच्छे लग रहे हो बच्चों सारे। आशीर्वाद जी, आशीर्वाद बाबू। हाँ जी थोड़ा सा परमानेंट भी देना। आ बेटा राम जी जब चाहेंगे जरूर बेटा जी। माल बोड़े लड़के बाबू आपके घर पर माल बोड़े बनाए। अच्छा तो पूड़े भी खा जाओ और माल भी खा जाना बेटा, मतलब माल पूड़े खा लेना पुत्र। आप खाओगे समझ लेना बाबू ने खा लिया, ठीक है पुत्र। आशीर्वाद
आवाज कट के आ रही है बेटा, देख लो भाइयों ने अपनी आवाज सही कर रखी थी आपके टाइम, थोड़ा सा तो बनता है, है? बाकी आप बात सोच लेना अभी तो नहीं। हाँ बेटा, मैं आप जी की बेटी विदई गुरमेल, इंटरनेशनल हैंडबॉल प्लेयर। हाँ बेटा, तू तो कैप्टन भी रही है इंडिया की। हाँ जी विदई, विदई वो जो कल आपने ब्रह्मचार्य के बारे में बताया था विदई, आपकी आज्ञा से मैं वो बताना चाह रही हूँ विदई संगत को। हाँ पुत्र। विदई जो सबसे पहले तो विदई मैं आप जी की रहमत से यहाँ पे अपने दोनों पैरों पे खड़ी हूँ। बहुत छोटी थी विदई जब मेरे पोलियो हो गया था और आप जी ने प्रसाद दिया पिती, और आज इंडिया टीम की कैप्टन पिती, और उसके साथ साथ ही हरियाणा का जो सबसे बड़ा खेल अवार्ड है भीम अवार्ड पिती, हैंडबॉल में पहला वुमेन में वो मिला आप जी की मेहर से। पिती मैं बताना चाह रही हूँ संगत को जिन्होंने सेवा सिमरन किया है और आप जी पे विश्वास रखा है पिती, मैं बहुत छोटी थी और तब आप जी ने वचन किए थे जब आप आए थे स्कूल में, सिक्स क्लास में थी पिती मैं, तो आप जी ने वचन किए थे कि एक दिन बहुत बड़ा प्लेयर बनेगी, और इसके साथ ही पिती एट क्लास में आप जी ने मेरी गेम चेंज करवा दी, हैंडबॉल एथलेटिक्स करती थी पिती, हैंडबॉल में आपने लगाया, और हैंडबॉल में लगाने के बाद उस टाइम हरियाणा का कहीं नामो निशान नहीं था पिती, आप जी के वचनों से 18 गोल्ड, 7 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज और 11 इंटरनेशनल। और इसके साथ साथ ही पिती आप जी से जॉब का आशीर्वाद लिया था, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार सरकारी नौकरियां पिती जी बेटा। और इसके साथ साथ ही पिती आप जी ने ये कहा था कि प्लेयर हुए तो क्या हुआ, स्टडी भी साथ में रखनी है, तो पिती 10th क्लास में एसएस में 100 out of 100 और प्लस 2 में मेरिट पिती, बीए में एमए में हरियाणा का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एस टेट वो भी क्लियर, और पीएचडी चल रही है पिती। वेरी गुड बेटा। और इसके साथ साथ ही पिती आप जी आए थे सपने में, आप जी ने ये कहा था कि दो साल, मैंने पूछा भी पिती कब आओगे सुनारिया से, आप जी ने कहा था 2 साल बाद आएंगे, और सही 2 साल बाद पिती आप इससे पहले जब आए थे सही 2 साल बाद आए पिती आप। जी बेटा, जी बेटा। और इसके साथ साथ ही पिती मैं ये बोलना चाह रही हूँ सभी सासंगत को कि अपने मालिक पे दृढ़ विश्वास रखो, चाहे बेशक मालिक सुनारिया में हो चाहे कहीं हो, अपने दिल के अंदर है, अगर आप सेवा सिमरन करोगे तो वारे न्यारे रखता है, तो यही पिती आप जी ने मेरे साथ किया। और पिती एक छोटी सी पर्सनल बात है, कर लूं? कर ले बेटा, आप इसके साथ ही जला दे। हाँ पिती, सबसे पहले तो मैं बताना चाह रही हूँ कि वहाँ आप जी ने कहा था कि जो यहाँ पे सेवा सिमरन और वचनों पे पक्का रहेगा अगले घर में राज करेगा, और पिती ससुराल ऐसा मिला हुआ है कि लगता ही नहीं मायका है या ससुराल आप जी की मेहर से। शाबाश बेटा, शाबाश, क्योंकि बेटा हमें आज भी याद है वो नन्ही सी गुरमेल को जब हमने आशीर्वाद दिया था, और उसके तू एथलीट थी, और हमने क्योंकि कल परसों ही बातें कर रहे थे बच्चों के साथ कि हम ये देख लिया करते थे कौन सा प्लेयर किसके लायक है, तो आपको बदल दिया कि तू एथलीट के लायक नहीं है, तू तो इस गेम में आगे निकल सकती है, और आपने वही कर दिखाया, और आप बचनों पर पक्के रहे, कहाँ पोलियो था एक काम एक टांग काम नहीं करती थी, और कहाँ हैंडबॉल की इंडिया की कैप्टन बनी और इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीत के लाई, तो ये आपका दृढ़ यकीन है बेटा, और पढ़ाई हम कहा करते थे, कल ही परसों ही बच्चों से ये बातें की जो आज आपने खोल के बता दी, अब इनको भी पता चल जाएगा कि हाँ पिताजी जो कह रहे थे वो सामने एक उदाहरण देख लो आप, वो मेरिट होल्डर है, और 100 में से 100 नंबर लेना कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो बच्चन इतने मानते थे बच्चे कि जो हमने कह दिया तो फिर बस उस पे पक्के रहते थे, तो बेटा तू अच्छे हमारे सारे वचन फॉलो किए हैं, तभी तो मायका और ससुराल में कोई फर्क नहीं रहा, क्योंकि तू सत्कार करती है तो नेचुरली तुझे भी सत्कार मिलता है, सो यही हम आपको सिखाया करते थे बेटियों को कि आप तो वो भविष्य हो बेटा, अगर जाके परिवार में ऐसे करोगे तो खुशियां मिलेंगी, तो शाबाश बेटा, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। तो जी और कुछ तो नहीं बेटा?
पिती आप जी ने मेरे को सपने में वचन किए थे कि सच्ची शिक्षा का 12 नंबर पेज पढ़ना बेटा होएगा। अच्छा पिती एक बेटी को तंग कर रही है पीछे ले गए, दिखाऊं बुलाना मेरी बेटी को। पिती कौन? नहीं नहीं करो करो, आपका काम है ये, जरूर दिखाओ। गुरवीन नाम है। अच्छा बेटा, और आपके आपके वो भी आए हुए बेटा? पिती उनका विश्वास तो बहुत है, उनकी बात करनी थी पिती, उन्होंने नाम ले लिया। तभी तो पूछा तेरे से, तभी पूछा हमने बेटा, तूने तो भूल गई थी, तू तो भूल गई थी, हमें पता ना पिती, पता क्या पहले तो मानते नहीं थे, कहते बाहर आएंगे तो पक्का लूंगा। बाहर आके पिती मैं भोपाल गई हुई थी हॉकी की सर्विसेज नेशनल खेलने जॉब के बाद, उसमें सिल्वर आया पिती मेरा। अच्छा। मैं यहाँ पे 10 बजे पहुंची, मैंने कहा चलो जींद प्रोग्राम है, कहते अभी थकी हुई है, मैंने कहा थकी मैं हूं ना, आप तो नहीं। हाँ, ठीक है, भोपाल से सीधा जींद लेगी पिती, और वहां पे नाम ले लिया उन्होंने। अरे वाह बेटा, शाबाश। और पिती एक और है, उनके ना पेट में दिक्कत है पिती, जैसे कुछ भी खाते हैं तो तभी फ्रेश होना पड़ता है पिती, सारी जगह दिखा लिया। क्या हो जाता है? जैसे कुछ भी खाते हैं ना पिती, तभी फ्रेश होने जाना पड़ता है। हाँ बेटा, इसे आयुर्वेद में संग्रहणी कहते हैं, संग्रहणी एक रोग होता है कि खाते ही जाना पड़ता है, तो उसके लिए एक बेटा आयुर्वेदा आप यहाँ से एक दवाई होगी जरूर, हमने हमें ध्यान में नहीं है उसका पूरा, हालांकि काफ़ी वैद्यों ने मिलके और डॉक्टर साहबान भी हैं और हमने भी, क्योंकि हमने पढ़े हैं आयुर्वेदा, तो वो एक दवाई बनाई थी, तो वो कोशिश करना बेटा, सुमण करके देना, ठीक है? और 12 नंबर पेज वाला आशीर्वाद। हाँ देखा। तू बेटी होके देख कितनी तरक्की कर रही है, क्या बेटों से कम है? फिर कहीं और नहीं जाएगी मैं। चलो आशीर्वाद बेटा, मालिक से दुआ करेंगे, तेरा 12 नंबर भी मालिक पूरा करे, आगे तो उसकी रहमत है, वो जो चाहे उसकी रजा, रजा में रहना जरूरी है, सिमरन करना बेटा। तो सारे बच्चों को आशीर्वाद, दो बातें से भी ज्यादा बातें आपने कर ली। अब अगला जो है वो गढ़साना नाम चर्चा कर, राजस्थान, राजस्थान वालों। बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत बड़ी तादाद में सत्संगत भी आपकी आई हुई है, सेवादार भी बैठे हैं, तो कर लो बात बेटा, दो बातें भाइयों की तरफ, दो बहनों की तरफ, सब सज धज के आए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हो बेटे बेटियां हमारे, बोलो बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी पिताजी, आप जी का बेटा रणजीत 45 मेंबर राजस्थान। हाँ जी पिताजी, आज हनुमानगढ़ अपने गढ़साना में आप जी का रूहानी सत्संग सुनने के लिए वह अपने अपने क्षेत्र से बहुत बड़ी तादाद में नए जीवों को नशा व सामाजिक बुराइयों से मुक्त करने के लिए यहाँ के विधायक बहन संतोष जी बावरी और नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती प्रियंका बलान जी, पंचायतों के प्रधान, सरपंच, पंच साहिबान, चौथा स्तंभ पिताजी, पत्रकार समाज भी बहुत बड़ी तादाद में आया हुआ है पिताजी, आप जी से बुराइयों से लोगों को नशा छुड़ाने के लिए आप जी से आशीर्वाद चाहते हैं पिताजी। जी बेटा, जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे आए हैं राजस्थान में, उन सबका सबसे पहले तो बहुत बहुत सत्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका सत्संग में आने का बेटा, और जितने भी गणमान्य व्यक्ति आप लोग आए हैं, मौजूद लोग आए हैं,
तो आप बेटा एक चीज हमारी जरूर मानना, अपने अपने एरिया में, अपने अपने गांव में, बाकी चीजें जैसी भी चल रही हैं ठीक है, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये जो नशा रूपी देते हैं ना, इसको गांव में घुसने मत देना। अब पहले क्या होता था, हम भी राजस्थान के रहने वाले हैं, हर जगह ऐसा ही होता था कि भाई कोई भी ऐसी चलती थी, एक शायद एक बार ऐसा चला था, बहुत पुरातन बात हमें याद, बहुत पुरातन नहीं है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन 80 के दौर की बात है, कि कोई गिरोह आ गया था, काला कच्चा गिरोह था या पता नहीं कौन सा गिरोह था, तो उस समय ठीकरी पैरा जो पंजाबी च किया जाता है कि पूरे गांव में से बच्चे चुने जाते थे कि आज इन घरों की बारी है, आज इन घरों की बारी है, तो वो लगा दिया जाता था ताकि कोई गांव में ना घुस पाए ऐसा शरारती अंसर। तो क्यों ना आप अपने गांव में जैसा भी आप ठीक लगे आप लोगों को, आप नशे को ना घर गांव में घुसने देना, बस हाथ जोड़ के विनती। और जी बहुत आशीर्वाद, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, भगवान ताकत दे। और बाकी चौथा स्तंभ जो हमारा आया है उनका भी बहुत बहुत सत्कार, बहुत बहुत स्वागत, और उनसे भी यही प्रार्थना करते हैं कि आप भी ये जो नशा छुड़वाने की मुहिम हम लगे हुए हैं, लोग आते हैं इस दरमियान जैसे हम आए हैं, अपने घरों में मशगूल हो जाते हैं या अपने घर के काम धंधा करते हैं, तो हम भी तो अपने घर का काम कर रहे हैं, हमारा तो काम ही ये रहा है। कई पूछते हैं गुरुजी आप इस काम के लिए आए हो, आप तो घर में, अरे हमारा घर ही हमारे बच्चे हैं, अब 6 करोड़ लोग हमारा परिवार है, पूरा समाज हमारा घर है, हमारे बच्चे हैं, अब उनका नशा छुड़वा रहे हैं, तो इसमें तो हमें लगता कुछ बुरा नहीं है। तो चौथा स्तंभ हमारा हमारा साथ दे, हम आप लोग भी हिम्मत के साथ, जो लोग नशा छोड़ रहे हैं, बुराइयां छोड़ रहे हैं, उनसे चाहे इंटरव्यू ले लें, या जिन्होंने जो छोड़ चुके हैं उनकी बात छापे कि कैसे छोड़ दिया उन्होंने, तो ये आपकी महान सेवा होगी, जन जन तक बात पहुंचेगी, वो भी प्रेरित होंगे, वो भी नशा छोड़ेंगे, तो इसकी खुशियां भगवान आपको जरूर देंगे। सो बहुत आशीर्वाद, मालिक आपको भी खुशियां दे। और बात करा दीजिए एक। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा जी। हाँ जी बोलिए। कृष्ण लाल ब्लाक पंगीदास करसाना जी। हाँ जी बोलो कृष्ण लाल जी। हिम्मत देना बोलन दी। बोलो बेटा। पिता जी सारे ब्लाकां दा नारा मंजूर कर रहा जी, दान दान सतगुरु तेरा यात्रा जी। आशीर्वाद बेटा। पिता जी साडे जो तुसी ब्लाक दे विच आए पिता जी, चरण टिकाए, उस लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया पिता जी। जी बेटा। और पिता जी असि पंडाल नाम वाला बनाया जी, ये छोटा पै गया, और छड के नीचे एक पंडाल 60-90 दा साथ संगत नूं बिठाउण के लिए उसकी जी हाजिरी लावे पिता जी। जी बेटा। दो पंडाल होर बनाए छड थले भी पिता जी, हां बल्ले बल्ले कराते पिता जी किसाने दी। जी बेटा असीं देखिया सी, उदों भी देखिया सी और हुण भी देख रहे हैं, बहुत साथ संगत है, बहुत साथ संगत आई हुई है, तो क्या हमारी बहनें बेटियां हैं और भाई हैं बेटे हैं, सब सज धज के, और बहुत ही राजस्थानी पहनावा पहन के आप बच्चे पधारे हैं, तो बहुत स्वागत आपका, आशीर्वाद बेटा। तो अब बहनों की तरफ दो बहनें बात कर लें, हमारी बेटियां अगर बात करना चाहती हैं। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा पिता जी, आपकी जी की बेटी सौदी का इंसाफ पिता जी, बोलने की हिम्मत देना पिता जी। हाँ बेटा बोलो। पिता जी आपके लिए राजस्थानी खाना बना के लेके आए हैं, सांगे गट्टे की सब्जी, मिर्च बाजरे की रोटी, पापड़ की सब्जी, पिता जी प्लीज प्लीज पिता जी खाना जरूर पिता जी। हाँ बढ़िया बेटा, गट्टे की सब्जी लाए, पापड़ लाए, बाजरे की रोटी, पतली है कि मोटी? आंगरी है पिता जी, बाजरे की रोटी जरूर खाओ पिता जी। जरूर बेटा जी, जरूर जरूर, आप ले आए इतने प्यार से बेटा, आप लोग लेंगे तो हमारे अंदर आ जाएगी पुत्र, जरूर आशीर्वाद। इसी बाजरे की रोटी से हमें ख्याल आया, हम गुजरात में तब गए थे जब भूकंप आया था, फिर तो जाते रहे पूरे गुजरात में, सत्संगें करी हमने, तो वहाँ जब भूकंप आया था तो एक बेटी हमारी कहने लगी गुरुजी, बहुत ही गरीब घर से थी, कहती मुझे मेरे को नहीं पता, मेरे पास बैठ के रोटी खाओ, उनके परिवार में से कोई गुजर गया था, रो रही थी बुरी तरह। हमने कहा रोना बंद करेगी, खुश हो जाएगी, कहती हाँ पक्का बाप, वो कहते मोटा बापू, जैसे आप बाबू कह रहे हैं पंजाब हरियाणा वाले, तो वो बोल रही थी मोटा बापू। तो हमने कहा ठीक है बेटा, हम उसके पास बैठ गए, तेरी बाजरे की रोटी से याद आ गया। तो बेटा उसने बनाया, मिट्टी का तवा था और उस मिट्टी के तवे पे एक मोटी सी रोटी बनाई। हमने कहा है क्या बेटा, कहती रोटला है। मोटा बाबू रोटला, बाप बेटी कट्ठा खाएगा। मैंने कहा ठीक है कट्ठा खाएगा। तो वो रोटला बनाया, उसके उसने शक्कर और ऐसे घी डाल के और उसी के ऊपर पकाया, तो खाया, वो आज तक भी स्वाद याद है उस बेटी का।
और वो उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, हम भी खा रहे थे, और वो बिटिया आधी आधी रोटी कर ली, हमने कहा ले बेटा आधी तेरी आधी हमारी। तो उसके चूल्हे के पास ही बैठ के, चूल्हा क्या था बेचारी का, चार ईंटें रखी हुई थी ऊपर रखी हुई थी, और ऊपर से तवा रखा हुआ था, वही मिट्टी का तवा, उसका क्या टेस्ट था क्या स्वाद था। तो ऐसे ही आपका भी अच्छा लगा बेटा, बहुत ही आशीर्वाद। तो लाइनें सुनानी है? हाँ बेटा। वधाइयां हनीप्रीत भैने थोनू वधाइयां जी, वधाइयां हनीप्रीत भैने थोनू वधाइयां जी, वधाइयां सारे यार नू सच सौदे परिवार नू, साडे बाप वड्डे सरदार नू जिन्ना रखिया थोड़ा ना, वधाइयां जी वधाइयां हनीप्रीत भैने थोनू जी बेटा, जी बेटा। अभी आपने जो बोला बहुत आशीर्वाद बेटा, लेकिन उससे हमें एक बात ख्याल में आई कि जो अभी आपने बोला हनीप्रीत भैने बधाइयां थोनू, बाकी नाम तो हनीप्रीत ही है, लेकिन जैसे आप दीदी कह के बुलाते थे, तो आप हमारी तो 2.5 करोड़ बेटियां हैं, सारी ही दीदियां हैं भाइयों की, क्योंकि बहन भाई का रिश्ता है सिर्फ पति पत्नी का छोड़ के, बाकी रिश्तों में बहन भाई का ही रिश्ता है। तो सारे बोला करते थे, और उसी में हमने बोला कि सारों ने कहा सास संगत ने, पिताजी एक ऐसा नाम दे दो, तो वो कुछ नहीं, रूह दी, रूह दी का मतलब जैसे दीदियां हैं उसके आगे रूह डाल दिया, रूहानी मतलब, एक सूफी जो होता है रूहानी मतलब मालिक की आत्मा, परमात्मा की आत्मा, वो सारी आत्माएं हैं, तो बस एक नाम तो वही हनीप्रीति है, पर दीदी की जगह रूह दी कर दिया। तो आपने वो जो नाम बोला, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं आपजी की बेटी नीलम इंसान अनूपगढ़ ब्लॉक से बोल रही हूँ। जी बेटा। पिताजी हम आपजी से अरदास करते हैं कि हमारा सारा अनूपगढ़ ब्लॉक, जितने भी जिम्मेवार भाई बहन है और संगत है, सब परमार्थी कामों में आगे आए, पिताजी आशीर्वाद दीजिए। जी बहुत आशीर्वाद बेटा, और सब बच्चों की बहुत आशीर्वाद। पिताजी एक बोली बोलनी है। हाँ बोल दो बेटा। आंधी कुड़ी जांदी कुड़ी, आंधी कुड़ी जांदी कुड़ी, चक लिया बाजार वी तोरड़ा, नी अगे बेड़ा पुछा पुछ दिया, थोड़ा पुछ दिया ने सच्चा सौदा डेरा, नी अगे बेड़ा पुछा पुछ दिया, थोड़ा पुछ दिया ने सच्चा सौदा डेरा। दन दन सच्चा। जी बेटा बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया सुनाया बेटा, आशीर्वाद। पर रेड़ा चकले बढ़ाई चकले पुत्र, आशीर्वाद पुत्र। सो तुसी खुश हो जाने बेटा, कोई गल इदा दी आ जाती है। सो साड़ी नित दिवाली है, बच्चे हाथों में बैनर लिए खड़े हैं, नौजवान हमारे बेटे बेटियां पधारो मारे देश शेर दिल सा जी। तो थारे देश आ गया जी, यार थारों बात ही कर ली। तो आशीर्वाद सगला ने, मोकलो मोकलो आशीर्वाद थाने सगला ने, आशीर्वाद। और प्रसाद बन गयो जी थारो, हाँ लड्डू है, और ये शायद सब्जी या हलवा है, क्या रख रखा आपने। और हाँ इधर हमारे मशहूर लोग हैं, वो कहते हलवा मतलब हलवा दिखा नहीं और बस तो होता ही है सेवादारों में थोड़ा सा उसका शौक होता है। तो आशीर्वाद बेटा आपने वो भी लिख रहा है 10+, और केक बना रखे हैं। तो आशीर्वाद बेटा जी, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, मालिक खुशियाँ दे। तो आगे जो है जी, बाला सुंदरी पैलेस काला अंब हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश वालों। हाँ जी, मोरे अंगना मोरे गुरु जी आ गए, जी सबको बहुत आशीर्वाद बेटा। आप भजन जो चला रखे हैं, लेकिन अब आवाज बंद हो गई है, आप बात करना चाहते हैं। सतगुरु तेरा आसरा। हाँ जी आ गई आवाज।
पिताजी आपके प्यार में ये संगत बड़े धूमधाम से छह ब्लाकों की आई है। पिताजी आपका पता लग्या कि आप काराम में आ रहे हैं तो यहाँ के लोग भी बड़े दर्शन करने के लिए आपके चरणों में आए। यही कहते हैं अभी आज गुरु जी के हम दर्शन कर रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। पिताजी ये आपकी रहमत है कि ये पूरे प्यार से आए हैं, आपके दर्शन करने के लिए आए हैं। आप जैसे प्यार का मार्गदर्शन किया उसका प्यार लेने आए हैं पिताजी। बाकी प्यारी शासन जी ये सौदा बहन थी गोरीपुर की, गुजरात की जो आपने बात करी थी, गुजरात की सौदा बहन उसका नाम था। पिताजी आप अपन दाड़ी मेंबर यहाँ के बात करेंगे आपसे जी। धन धन सतगुरु आसरा। जी बेटा, जी बेटा, रही धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ बेटा जी बोलो। पिताजी आपका बेटा जोगिंदर पाल पंताली मेंबर हिमाचल प्रदेश। हाँ जी, हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में पिताजी कालाम ब्लॉक के अंदर जो आप जी ने ये रहमत बरसाई है शहनशाह जी, आप जी का एहसान, आप जी का देन नहीं दे सकते शहनशाह जी। सारी साध संगत के ऊपर पिताजी, सभी जुम्मेवारों के ऊपर अपनी ऐसी रहमत बरसाओ पिताजी, ताकि जिस गाँव में भी ये जाए नाम शब्द लेने वालों को प्रेरित करें। तो पिताजी आपकी ऐसी रहमत बरसे कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर सारी जितनी भी यहाँ की पब्लिक है, सारी यहाँ की जनसंख्या है, सभी आप जी के चरणों के साथ जुड़े, ये हमारी इच्छा है पिताजी। आप ऐसी रहमत पूरे हिमाचल के ऊपर ही बरसाओ पिताजी, और सभी जुम्मेवारों की तरफ से पिताजी, जिला सिरमौर के जो भी जुम्मेवार है उनकी तरफ से, सभी की तरफ से पिताजी नारा कबूल करना, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा बहुत आशीर्वाद, और हम भी यही चाहते हैं कि पूरी साध संगत ओम हरि अल्लाह राम के चरणों से जुड़े, और आप जितना नशा छुड़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं समाज में, जा जाके अलख जगा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जितने भी सेवादार इस पे लगे हैं, दिन रात ये कर रखी आप लोगों ने, भगवान घरों में बरकतों के ढेर लगा दे। जितने भी लोग आप सुन रहे हैं, तो जितना भी नशा छुड़ाएंगे, जितनी बुराइयां समाज से आप हटवाएंगे, और सबको उस मालिक के चरणों से जोड़ना है। बेटा हम तो सेवादार चौकीदार हैं, हमारा काम डुगडुगी बजा के राम नाम की बात सुनाना है, और जो उसको सुन के राम से जुड़ जाते हैं, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड से जुड़ जाते हैं, वो भाग्यशाली बन जाते हैं। आने वाले समय में उनके भाग्य बदल जाते हैं, ये देखा है हमने, करोड़ों में ये देखा है, एक दो में नहीं। तो सबको आशीर्वाद। हाँ एक और बात है, बोलो। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी पिताजी, आपका बेटा नवनीत इंसान ब्लॉक कालाम से, ब्लॉक भंगीदास, कालाम ब्लॉक का नारा मंजूर करो जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पहले सत्संग कब हुआ था आपके, कुछ याद है? कालाम में सत्संग नहीं हुआ पिताजी, पहले पिताजी पोंटा साहब में हुआ था पहले। 9 मई 2003 को जो आपकी रहमत बरसी है, पोंटा साहब में और नाहन में भी हुआ था पिताजी उसी दिन। एक बार अम्बे रुके थे शायद, जोशी जी हुआ करते थे, और टोहाना जी को पता होगा। हाँ पिताजी, हम ये नदौन के अर्श के हम बैठा जी पिताजी, उस रोड पे हुआ था, जोशी साहब आए, वो अम्ब अलग है पिताजी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा वो अम्ब अलग है, ये काला अम्ब है, वो हरा अम्ब है, ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है। नहीं, अम्ब अम्ब का फर्क है। जी बेटा, जी बेटा, तभी पिताजी परमानेंट आ जाओ जी। हाँ बेटा जी, पिताजी परमानेंट आ जाओ, राम जी चाहेंगे जब बेटा, जरूर जैसी उनकी रजा। पिताजी जप्फी पालो, सबको जप्फी पालो पिताजी। बेटा जब माँ बाप अपने बेटे बेटियों से मिलता है तो गले लगाते, तो आपको भी गले लगा रहे हैं बेटा, आशीर्वाद। पिताजी थोड़ा शब्द सुनाना चाहता था, कुछ लिखा है, दीदार तेरा त्योहार मेरा, मेरी आंखों को रहे इंतजार तेरा, आपकी पावन शिक्षाओं ने निहाल कर दिया, आज कालाम ब्लॉक में, आज कालाम ब्लॉक में निहाल कर दिया, कालाम ब्लॉक को निहाल कर दिया, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा आशीर्वाद। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ पिताजी, कालाम ब्लॉक बने 7 साल हो गए पिताजी, नाम तिरचा घर बख्श दो पिताजी। हाँ बेटा, आप यहाँ जुम्मेवार आए, उनसे बात कर लेना, फिर एडम वालों से मिल लेना, फिर जैसा आप लोग चाहो वैसा कर लेना, आशीर्वाद। ठीक है पिताजी, धन धन सतगुरु तेरा ही। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा। हाँ पिताजी, दो लाइनें सुनाना चाहता हूँ पिताजी। है बेटा। पिताजी आप जी का बेटा मुदित एक स्टूडेंट शास्त्र नाम जी बॉय स्कूल पिताजी। हाँ बेटा। पिताजी दो लाइनें सुनाना चाहता हूँ पिताजी। सुना दे पुत्र। ये दिल है पापा तेरा, ये जा भी है तुम्हारी, ये दिल है पापा तेरा, ये जा भी है तुम्हारी, सजदे में सिर झुकाना ये ईद है हमारी, सजदे में सिर झुकाना ये ईद है हमारी, ओ गॉड अल्लाह वाहेगुरु तुम ही खुदा हमारे, ओ गॉड अल्लाह वाहेगुरु तुम ही खुदा हमारे,
आ जाओ परमानेंट प्यारे पापा, बच्चे तेरे पुकारे, बच्चे तेरे पुकारे। जी जी बेटा, आशीर्वाद। हम तो बेटा चौकीदार सेवादार हैं, राम जी से दुआ है कि वो आप सबकी सुने और जैसे वो रजा है उनकी उसके अकॉर्डिंग जब भी वो चाहेंगे तो जरूर आपके ऐसे भी दर्शन करेंगे। तो अब हमारी बेटियों की तरफ चर्चा करते। हाँ बेटा, बेटियां हमारी खड़ी हैं। हाँ पुत्र बोलो बेटा। पिताजी आप जी की बेटी श्यामा इन सब लोग रेणुका से बोल दीजिए। हाँ बेटा जी। पिताजी सबसे पहले ब्लॉक रेणुका का नारा कबूल करो जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद पुत्र, आशीर्वाद। पिताजी दो लाइनें सुनानी है पहाड़ी सॉन्ग की। हाँ सुना दे बेटा। यारी नि मिलना दिलदारी नि मिलना, यारी नि मिलना दिलदारी नि मिलना, तेरे जैसा दुनिया दा हमें दातारी नि मिलना, तेरे जैसा दुनिया दा हमें दातारी नि मिलना, हमें कोई प्यार ने मिलना, तेरे जैसा दुनिया दा हमें कोई प्यार ने मिलना, दन दन सतगुरु। बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया गाया बिटिया, बहुत ही अच्छा गाया और बहुत अच्छी आवाज। सो आशीर्वाद पुत्र, आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा बापू जी। हाँ बेटा जी, हिम्मत दो बोलने की। हाँ बोलो पुत्र, बोलो बेटा। यकीन पापा जी आपके लिए बनाना की बर्फी बनाई है, पहले तो खाके देखो। क्या बनाई है बेटा? केले की बर्फी। केले की बर्फी। हाँ जी जी पुत्र, खाना आप लोग और आप सारी बेटियां हमारे बच्चे खाओगे। पापा जी पहले कैसे बनी है? हाँ बहुत अच्छी बनी है बेटा, बड़ी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छी बना रखी है आपने। ऊपर लगा भी रखा है कुछ लाल लाल सा, पता नहीं क्या लगा रखा, मेवे भी डाल रखे हैं ऐसा लग रहा है। पापा जी हाँ, बहुत सी बातें करनी है पर हिम्मत दो। थोड़ी सी देर में थोड़ी सी बातें, ज्यादा टाइम ना लेना बेटा, कर ले। पापा जी आपने 2 साल से मुझे दसम द्वार पे बिठा रखा, कब आगे की चढ़ाई पूरी करवाओगे? है बेटू? दसम द्वार पे बैठे होगे 2 साल हो गए पापा, मैंने खाना भी नहीं खाया अब तक। क्यों बेटा? नहीं पापा, जब तक आपके नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं करूंगी नहीं खाऊंगी रोटी। हाँ सुन बेटा, सुन बिटिया, आप सुमन करो, खाना खाना जरूरी होता है बेटा, क्योंकि ये पांच तत्व का, सुन पुत्र, सुन बेटा जी, हाँ पांच तत्व का पुतला शरीर होता है बेटा, इसको चलाने के लिए खाना भी जरूरी है और आप सुमन करोगे तो सतगुरु ने चाहा वो भी पूरा होता है। लेकिन खाना छोड़ना इससे कोई ये जरूरी नहीं है कि नूरी दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि जब शरीर उसके लायक चाहिए बनेगा तभी नूरी दर्शन होते हैं बेटा। उसके लिए बहुत सुमन की जरूरत है, ना कि खाना छोड़ने की या पानी छोड़ने की। खाना पीना लेते रहिए, सुमन करते रहिए और यकीन मानो फिर वो खुशियां आती हैं। और ये जो सुंदर सजा रखा आप लोगों ने, अंदर की चढ़ाई तो यहाँ तक तो मैं पहुंच जाती हूँ, आंखों से ऊपर ये सांस दल कमल तक, इससे आगे मैं जा नहीं पा रही पापा। पहली बात तो ये है बेटा, पहली बात ये है कि अंदर की चढ़ाई की चर्चा शरियाम नहीं किया करती बेटा। अंदर जो चढ़ाई होती है वो अंदर वाला जानता है, बताने की जरूरत नहीं होती। सो इसलिए बाहर उसकी चर्चा नहीं, आप अंदर जो अपने अंदर चढ़ाई कर रहे हैं वो आप तक सीमित होनी चाहिए, तो आगे तरक्की मिलती है। और सुमन करो, उसको बाहर चर्चा में मत लाओ, क्योंकि फिर वो खुशियां गुम होने का डर हो जाता है। सो आगे से ख्याल रखना बेटा, अपने अंदर का अंदर ही रखो। तो बहुत अच्छे लग रहे हो हमारे बेटे बेटियां सारे के सारे, और आपने प्रसाद भी रख रखा है जी, और आगे रंगोली बना रखी है, लंगर भोजन है, गुलदाना है, तो प्रसाद बन गया बेटा, सारे ले लेना। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। अब है जी शास्त्र नाम जी आश्रम, यहाँ भी लोग बैठे हैं तो उनको भी आशीर्वाद, सेवादार हैं। तो समय काफी हो चला है क्योंकि आपसे मिल नहीं पाए थे।
ये लिखा है जी, कोई बच्चा आया संदीप इंसान श्री गंगानगर से, पिताजी आप जी से पिछली बार गोल्फ गेम के लिए आशीर्वाद और टिप्स लेके गया था, चेन्नई में 125 प्लेयर आए थे, आठवां स्थान ही आया है मेरा, अब दोबारा खेलने जाना है, आप रहमत बनाना। जी बेटा, कहाँ है बच्चा वो, किधर, हाथ हिलाना बेटा, जी जी पूरा बेटा कॉन्सेंट्रेट बनाओ, जो एकाग्रता बनाओगे और फिर अपने माइंड में बिठा के शॉट मारोगे तो वो अपने सही जगह पे जाता है, इसमें एकाग्रता की ज़्यादा ज़रूरत है। गन शूटिंग हो गई, एयर जो आप लोग करते हैं, बच्चे हमारे बॉस से गोल्ड लाते थे, ऐसी इसमें भी ज़रूरी है, वैसे हर गेम में एकाग्रता ज़रूरी है, लेकिन ये गेम ही ऐसा होता है कि आप अपने माइंड में वो फिट करके एकाग्रता से शॉट मारें ताकि वो उस होल के पास जाए, यहाँ आप चाहते हैं, पहले उसको एक इमेज बनाएं अंदर कि हाँ मैंने वहीं डालना है, तो नेचुरली काफ़ी हद तक ऐसा हो जाता है। तो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद प्रसाद ले लेना। विनय इंसान बुलंदशहर का चयन भारतीय रेल में स्टेशन मास्टर के पद पर हुआ है जी, आशीर्वाद चाहते हैं। आर्मी से आए हैं वो भी खड़े हो जाएं। संजय इंसान CRPF सुकमा छत्तीसगढ़ से, फौजी हवलदार रितेश शर्मा जम्मू कश्मीर से, लवप्रीत कौर मोगा पंजाब से, आर्मी स्कूल, हाँ जी ये पुलिस से हैं बच्ची बेटी हमारी, आर्मी स्कूल टीचर रेशमा इंसान पठानकोट पंजाब से, फौजी सतपाल इंसान सिक्किम से, परिवार समेत आए हैं, और कुछ आर्मी वाले और आए हैं, ASI मनजीत फतेहगढ़ से, फतेहगढ़ साहब से होंगे शायद, और पत्नी श्वेता फोगाट ASI परिवार के साथ आए हैं जी, और सारे यहाँ खड़े, सबका बहुत बहुत आशीर्वाद और सबको सैल्यूट बेटा, आप समाज का जो भला कर रहे हैं, समाज के लिए जिंदगी दांव पे लगा के रखते हैं, तो बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक सबको बहुत खुशियाँ दे बेटा, परिवार वालों को भी हिम्मत दे शक्ति दे, क्योंकि आप उनको भेज के, हमें पता है आपके दिलों में क्या चलता होगा, जब कोई ऐसा समय आता है कि पता नहीं मतलब उनकी क्या बीत रही होगी, तो भगवान आपको शक्तियाँ दे, ताकत दे, और आप समाज का और भला करते रहे, मालिक खुशियाँ दे। प्रसाद अलग से ले लेना बेटा, आशीर्वाद जी बेटा, आशीर्वाद, बैठ जाइए, प्रसाद ले लीजिएगा। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं खेलकूद प्रतियोगिताओं में, ये लिखा है सरसा बॉय स्कूल कॉलेज में 183 गोल्ड, ये नहीं बताया कहाँ किस स्तर में आए, जिला सदर पे, ओके, तो जी आशीर्वाद, और सब बच्चों को जितने भी आपने नाम लिख के भेजे हैं, कोई नेशनल इंटरनेशनल आए हैं उनको भी बहुत आशीर्वाद, बच्चों आपको भी आगे बढ़ना, प्रसाद ले लेना, मालिक बहुत खुशियाँ दे, बॉय स्कूल में गर्ल स्कूल में जितने भी बच्चे गेम्स में लगे हैं पढ़ाई में, सबको आशीर्वाद, मालिक ताकत दे बेटा, प्रसाद ले लीजिएगा, आशीर्वाद नारा लगा के बैठ जाएं, और बाकी जो आपको बोला करते हैं उन सबको आशीर्वाद है। शादी वाले यहाँ परिवार हैं, लड़के का नाम है मनदीप सिंह सगरीन समिति, पुत्र श्री पृथ्वी सिंह जी का, निवासी जमनगढ़ बठिंडा पंजाब तो, लड़की का नाम है लवप्रीत कौर, पुत्री श्री राजपाल सिंह जी की, निवासी कमालू बठिंडा पंजाब तो, दूसरा परिवार लड़के का नाम हरजीत सिंह, पुत्र दर्शन सिंह जी का, निवासी पिथो बठिंडा पंजाब, लड़की का नाम शीतल, पुत्री नरसिंह जी की, निवासी मलोट मुक्तसर पंजाब, दोनों परिवारों के 17 मेंबरों ने मरणोपरांत अखा दान और शरीर दान का प्रण किया, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है बेटा। सो हमारे दो बेटे दोनों बहुत आशीर्वाद बच्चों, आशीर्वाद, आप उसमें प्यार से रहना, एक बन के रहना, और आप तो सेवादारी हो तो बढ़ चढ़ के सेवा भी करना, मालिक खुशी दे बेटा, आशीर्वाद। और आशीर्वाद के लिए जो सबको आशीर्वाद है बेटा, और जिनके इन 3-4 महीनों में शादियां हुई हैं या वो चाहते थे कि पिताजी के सामने हो लेकिन नहीं हो पाई, कोई मजबूरियां भी हो जाती हैं कई तरह की, तो वो खड़े हो जाएं, अगर कोई शादी वाले आए हैं जिनकी पहले शादियां होगी, इन 3-4 महीनों के पहले हम आए थे उसमें और इस समय के दरमियान, तो आशीर्वाद ये सोच लेना आज आपका हाथ डल गया बेटा, निशानी भी लेना प्रसाद भी लेना, नारा लगा के बैठ जाओ बेटा,
हाँ जी बाद में, और जिनके बच्चे हुए हैं, हमारी नई पीढ़ी आई है, नई प्योद हम कहा करते हैं, वो तो वो खड़े हो जाएं। आशीर्वाद बेटा आप सबको, और ये बच्चा जो है आपका, आपसे भी अच्छा इंसान बने, इंसानियत में बुलंद हो, और आपसे भी अच्छा भक्त बने। मालिक से अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और अगर आप नाम रखना चाहते हैं तो अब तो तीन तीन किताबें आ गई हैं, आप खोलिए नारा लगा के, उस पेज में से जो भी आपको नाम अच्छा लगे दो पेज में खुल जाएंगे, तो वो नाम आप रख सकते हैं। तो आपको आशीर्वाद, और प्रसाद बच्चे के लिए ले लेना, सबको आशीर्वाद, नारा लगा के बैठ जाएं बेटा। लाइव पे भी काफ़ी बहने भाई खड़े हैं, आशीर्वाद, और बाकी अच्छे नए कामों के लिए सबको आशीर्वाद। विदेश जाना है वो खड़े हो जाएं, बचनों भी पक्के रहना, सुमरण करते रहना, और बेटा कहीं भी रहते हो भगवान तो हर जगह है, बचनों भी पक्के रहते हुए आप, और कानूनी तौर पर जाना, गैर कानूनी मत जाना, प्रसाद ले जाना, और ये ध्यान रखना बेटा हो सके तो यहाँ मिलके जाना जिम्मेवारों को, क्योंकि वहाँ सात संगत है, उसका बारे में आपको बता देंगे तो वो आपसे पहले ही मिल लेंगे। तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, लाइव पे भी आप बच्चे खड़े हो, नारा लगा के बैठ जाओ, प्रसाद ले लेना बेटा। कोई विदेशों से आए हैं, विदेशों से जो आई है सात संगत, अगर कोई बच्चे आए हैं हमारे, तो उनको आशीर्वाद, प्रसाद लेना बेटा, मालिक आपको खुशी दे, और सात संगत का भी नारा मंजूर, सो नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद। और शिफ्ट पूरी होगी है, यहाँ सेवा करने वालों की शिफ्ट बदलती रहती है, वो खड़े हो जाएं। तो बेटा घर जाके खुशियाँ बिखेरना, सारे परिवारों को आशीर्वाद कहना, और प्रसाद लेके जाना, परिवार को देना, मालिक खुशियाँ दे, नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद बेटा जी, बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद। बीमारी का प्रसाद, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं, लाइव पे भी प्रसाद रखा हुआ है, प्रसाद दे दीजिएगा, डॉक्टर से दवा लें, अगर फायदा नहीं तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दवा लें, फिर भी अगर फायदा नहीं रहा तो सुमरण करना, मालिक से दुआ करेंगे, मालिक आपको तंदुरुस्ती बख्शे, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। सुमरण करके दवा लेना, सुमरण करके खाना बनवाना, आशीर्वाद। परिवार में कोई यहाँ से चला गया, चोड़ा छोड़ गया है, तो परिवार के मेंबर खड़े हो जाएं। बेटा जिसने नाम लिया था वो मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक का नाम ही जरूर जाते हैं, सो प्रसाद ले लेना, और मालिक उस आत्मा का भी भला करे और आपको भी शक्ति दे झेलने की, सो आशीर्वाद, नारा लगा के बैठ जाएं। हाँ, मालिक आपको शक्ति दे, जो भी लाइव पे भी खड़े हैं सारों को आशीर्वाद बेटा जी, मालिक पूरी संभाल करते उस आत्मा की जो मालिक का नाम लेके जाते हैं, सो आपको ताकत देगा भगवान, नारा लगा के बैठ जाइए बेटा जी। शास्त्र जी गिनने से पहले फिर वर्ष बिंग पक्की समितियां एमएसजी आईटी बिंग वे यूथ का नया प्रसाद लेने वाले सेवादार सेवा जो करते हैं आश्रमों में, तो हाँ जी खड़े हो जाएं, तो सामने भी लाइव पे भी खड़े हो सकते हैं जो भी सेवादार हैं, तो नारा लगा के बैठ जाएं बेटा, प्रसाद लेना और नाम दर्ज करवा लेना। हाँ जी उधर भी सेवादार काफ़ी खड़े हैं, सो नारा लगा के बैठ जाओ, हाँ जी अपना नाम दर्ज करवा, नारा लगा के बैठ जाइए बेटा, नारा तो जोर से लगाया करो। और ये लिखा है जी कि आप जी के सॉन्ग की वीडियो जो 10 मिलियन व्यूज हो गए हैं, उस खुशी में दीन दुखी मद के लिए बैंक में पैसा जमा करवाए हैं जी। होशियार सिंह इंसान सरी बीसी कनाडा से 1,00,000 रुपए, गुरलीन व परिवार टोरंटो कनाडा से 10,770 रुपए। तो परिवार आए हैं तो मालिक उनको खुशियां दे, घरों में बरकतें दे, दया में रहमत से नवाजे, क्योंकि दीन दुखी मद जो करता है मालिक कोई कमी नहीं छोड़ता, आशीर्वाद बेटा। और एक और पर्ची है जी, इंस्टाग्राम में 3 मिलियन फॉलोवर्स होने की खुशी में सात संगत को लड्डू बांटना चाहते हैं, और नेकी और पूछ पूछ कर दो काम। हाँ जी, तो ये तो आपको कहा था रोज दिवाली है, देख लो आप रोज ही प्रसाद खा रहे हो, आप रोज ही दिवाली हो रही है, वो सतगुरु मौला जानता पता नहीं किस बहाने से क्या बना देता है। हाँ जी आशीर्वाद बच्चों, आपने कॉन्ग्रेचुलेशन लिख रखा है 3M लिख के, तो आशीर्वाद सबको, आप मालिक आपको भी खुशियाँ दे बच्चों। हाँ इधर भी बांट दें बेटा प्रसाद, और उधर भी प्रसाद तो दिया ही गया है, तो आपको प्रसाद मिल ही गया सारी खुशियों के लिए। तो आज व्याख्या नहीं, कल व्याख्या कोशिश करेंगे अगर पॉसिबल सही टाइम पे हो पाया, क्योंकि नाम वालों को कोशिश करो कि सही टाइम पे आप लेके आए, तो ये पर्ची कल हमें देना जो आपने लिख के भेजी, अच्छी बात है। सो सबको आशीर्वाद बच्चों, मालिक बहुत खुशियाँ दे, दया में रहमत से नवाजे। तो जितने भी लाइव हैं उन सबको आशीर्वाद, यूट्यूब पे भी हैं उनको भी आशीर्वाद, जूम वालों को भी आशीर्वाद, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। पूछना भाई आशीर्वाद बच्चों, आशीर्वाद।
पूछ लो, पूछने आगे सेवादार।